अस्सलामुअलैकुम, लर्निंग हब पर मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इमरान। और आज हम एक बना रहे हैं फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन, जिसका साइज़ है तकरीबन 1080x1080। ये एक्चुअल साइज़ होता है अगर आप पोस्ट पे को पेस्ट फेसबुक के लिए कोई पोस्ट डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, यहाँ हम कुछ क्रिएटिव बनाएंगे, खुद से डिज़ाइन करेंगे। ये हमारे पास एक साइज़ आ चुका है, आप इसको छोटा कर लें या बड़ा कर लें, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, रेक्टेंगल शेप को लेना है, यहां से इतना तकरीबन, यहां से हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें, ऐसे। अब इसका कलर जो है वो हम करेंगे रेड, कलर कॉम्बिनेशन हमारा रेड चलेगा, और रेड के साथ वो दूसरा इसको 0 पिक्सल कर दे, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि आपने यहां से एलिप्स का टूल लेना है, ये जो गोल सर्कल होता है एल से, एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट से मुराद विथ हाइट, आप यहाँ से मेंशन देख सकते हैं, ठीक है। और आपने क्या करना है, इसको बॉर्डर देना है, बॉर्डर आपने व्हाइट कलर का दे देना है, जी ठीक है। इसके अंदर हम उसे रेलिवेंट पिक्चर लगा सकते हैं। मसला ये है कि अगर हमारे पास इंटरनेट ना हो तो फिर हमारे पास पिक्चर लगाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम नेट से यहाँ से कुछ देख लेते हैं। कोई भी एक एजुकेशनल पिक्चर जो प्रेजेंट कर रही हो किसी भी चीज़ को, यहाँ से हम इसी को लगा लेते हैं। फिलहाल हमें आपको बात समझानी है, ठीक है। ये अब बेसिकली होगा क्या कि हम इस पिक्चर को नीचे वाली जो शेप है उसको अरेंज करके फ्रंट पे लेकर आएंगे, ठीक है। फिर हम शिफ्ट से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और राइट बटन मेक क्लिप मास्क कर देंगे। अब हमने ये देखना है कि हमारा बॉर्डर आ जाना चाहिए और बॉर्डर वाइट होना चाहिए, ठीक है। बॉर्डर भी आ गया, बॉर्डर भी वाइट हो गया। बॉर्डर अगर इसको आप 10 कर देते हैं तो हमारी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ हम लगाएंगे लोगो, ठीक है। लोगो तो है नहीं, हमने खाली लोगो, तो हमने इसको नीचे ले आना है। ये साइज हम इसका बड़ा कर देंगे, तो यहां आप लोगो लगा सकते हैं। हम बेसिकली सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं, यानी फेसबुक पोस्ट स्पेसिफिक डिमांड पे, ठीक है। यहां से हम लिखेंगे वी आर, ठीक है। इनको सेपरेट सेपरेट करना है तो आप ऐसे सेपरेट कर लें ताकि आपको आईडी मुख्तलिफ होंगी कमांडे लगाने के, सी आर क्रिएटिव मार्केटिंग मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है जी। अब हम सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि यार ये 12 तो नहीं, ये तकरीबन इतना अच्छा लगता है, और इसमें हम जो ये है इसको निकाल लेंगे। क्रिएटिव को हम देखेंगे कि हम कितना बड़ा कर सकते हैं, ये इतना हो जाए, ठीक है। इसको हम कॉपी पेस्ट करके
बड़ा करेंगे मजीद। मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है जी। अभी मैं जितना इसको कोशिश करूंगा ना आज प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाऊंगा, ठीक है। कलर हम इसका आई ड्रॉपर से रेड कर देंगे। ठीक हो गया, बल्कि हमें जो रेड करना चाहिए वो सेंटर वाले को करना है। इसको रेड करना है और इसको वही हमने ब्लैक करना है, ठीक है जी। क्रिएटिव को हम थोड़ा सा ये कर लेंगे, दोनों साइडों से इक्वल साइड से बराबर होने चाहिए, ठीक है जी। ये ठीक है, अच्छे। यहाँ हम एक पैराग्राफ डाल देंगे, ठीक है। आई थिंक मेरे पास अभी कोई पैराग्राफ तो नहीं होगा, बट मैं यहाँ से कोई ये चीज हो गई। और अब जो मैं चीज करने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, थोड़ा सा इसका जो कलर है ना वो ये करने वाला हूँ, ठीक हो गया। अगर इसके अंदर से आप थोड़ी सी स्पेस बढ़ाना कढ़ाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। समझ आ गई बात की? अब नीचे हमारे पास आएगा शेप टूल, रेक्टेंगल टूल। कितनी जगह पे? तकरीबन इस जगह पे जाऊं, ठीक है। कलर रेडी होगा, आई ड्रॉपर जिंदाबाद, ठीक है। इसके अंदर हम थोड़ा सा लिखेंगे भी, और इसको पहले हम जूम करते हैं। इसके अंदर हमने एक बनाना है तीर का निशान, ये एग्जैक्ट बन गया, वेरी गुड, ठीक है। अप्रिशिएट किया करेंगे, मैं आप ही के लिए मेहनत करता हूँ, ठीक है। आप ही के लिए बना रहा हूँ, मेरा फ्री में सिखा रहा हूँ। ये कोर्स हम 19,000 फीस लेते हैं जब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फ्री में कहीं से भी अच्छा नॉलेज मिले तो लेना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट से सीखें, आप घर बैठे भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सीखने वाला बंदा हो ना तो यूडेमी के ऊपर भी हजारों कोर्सेज फ्री पड़े हुए हैं। नहीं सीखने वाले के साथ तो हम बहस नहीं करते, ठीक है। ये वो सीख सकता है या नहीं, डेफिनेटली उसका जब शौक ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो कैसे सीखेगा, ठीक है जी। अब हम यहां से एक शेप लेंगे, इस शेप का मकसद है कि हम इसको लगाएंगे यहां पे, फिर हम इसको कॉपी करके प्लेस कर देंगे, पेस्ट प्लेस,
और हम इसको यहाँ से ले जाएंगे इधर, ठीक है, क्योंकि हमें इसके अंदर ये अब बराबर हो गया ये चीज़। अभी हमें इसके अंदर लगाना है कुछ टेक्स्ट वगैरह कॉन्टेक्ट अस का, ठीक हो गया जी। फॉन्ट आप अपनी मर्जी से एक ही फॉन्ट रखें, ज़्यादा फॉन्ट का इस्तेमाल ना करें क्योंकि गोरे इस चीज़ को पसंद नहीं करते। यहाँ आप लगा दें कोई भी नंबर, ठीक है, 35-36 है तो इसको 32 कर दें, बस ज़्यादा छोटा ना करें, और इसको कॉपी कर लें, पेस्ट प्लेस करके इसको ले जाएं सीधा इधर, या आप इसको मेंशन कर लें www.l.com, ठीक है जी। और अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे छोटे छोटे जो आइकन्स होते हैं ना, एक फाइल मिलती है, अभी नेट नहीं है, गूगल पे जाकर आप सर्च कर लें, जिसका नाम होता है AI आइकन्स, ये पूरी फाइल है, वहाँ पे हर किस्म के सोशल मीडिया किस्म के आइकन होते हैं जो आप कॉपी पेस्ट करके लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका है, मैं किसी दिन उसके ऊपर वीडियोज़ भी बना दूंगा, असल नेट ना होने की वजह से भी मैं आपको लाइव दिखा नहीं सकता। वो आइकन आप यहाँ पर आकर आपने इसके अंदर लगा देना है, क्योंकि डबल शटर के अंदर नहीं पड़े तो वो बनी बनाए हैं, आपने उठा के सिर्फ लगाना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं करनी है आपने। इनके अंदर वो उसमें पे थोड़ी सी ये चीज़ प्रोफेशनलिज्म आ जाएगी, हाँ यार इनके वेबसाइट है, वेबसाइट का आइकन है ये आपके सामने, मैंने कुछ थोड़ी सी एफर्ट की है, कोशिश की है अपनी तरफ से एक डिज़ाइन बनाने की, ठीक है। आप इसको जितना बेटर हो बना सकते हैं, ठीक है। मसलन अगर आपको ये लग रहा है कि इसको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए तो ठीक है, इसको आप थोड़ा सा 24 है तो इसको 27 कर दें, ठीक है जी, ऐसे ताकि खुला खुला अच्छा लगे। इसको अगर आप थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं तो दैट आर वेल एंड गुड है, ऑप्शन है तो नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है फॉन्ट में, ठीक है। इसको आप देख लें, ठीक है, अदरवाइज आप इसके नीचे या ऐसे कुछ कोई इफेक्ट्स वगैरह या कुछ लगाना चाहते हैं, लाइक आप यहाँ पे कुछ ऐसा लगाना चाहते हैं या यहाँ पे, मैं एक शेप का मेरे जहन में आइडिया आया है, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल ये करता हूँ कॉपी 3 लगाता हूँ, फिर उनको मैं दिखाता हूँ आपको, अगर अच्छे लगे तो वेल एंड गुड, ना लगे तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, उड़ा देंगे हम, ठीक है। यहाँ से इनकी ओपेसिटी आप कम कर दें, इस तरह है आपके, मेरे जहन में आइडिया आया था, आई थिंक अगर आपको अच्छा लगे तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज अगर आप नहीं भी लगता तो आप को मतलब वो नहीं है, आप इनको ना लगाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जहन में एक मेरे जहन में एक आइडिया आया, ये मैंने आपके साथ शेयर किया, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। ये वीडियो थी अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, अडोब इलस्ट्रेटर में आप एक प्रोफेशनल पोस्ट फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच।